बाबर आजम का फायदा क्या है इस टैलेंट का कि जब उसने मैच नहीं जिताना, इन बड़ी टीमों के खिलाफ आपको दिखाना पड़ता है कि यार आप बड़े प्लेयर हैं। बड़े प्लेयर आप तभी बनते हैं जब आप बड़े मैचेस में बड़ी गेम लेके आते हैं। ये नहीं होता कि ठीक है श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ आप कर रहे हैं, लेकिन बड़े मैचेस में बड़ा स्कोर तब आप मैटर करते हैं, तब आपका टैलेंट मैटर करता है। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट हार इज इन पेन राइट नाउ, बट व्हाट टू डू। बहुत ही बुरी बैटिंग पाकिस्तान की जानब से, एक बहुत ही अच्छा विकेट जहां पे 325-340 रन हो सकते थे, बट पाकिस्तान ने वो चीज कैपिटलाइज नहीं की। अच्छा स्टार्ट मिला, मुझे डिसअपॉइंटेड ये लगा कि पाकिस्तान सिर्फ 4 बैट्समैनों से खेल रहा है, मिडल ऑर्डर आपके पास है नहीं। सऊद, इफ्तिखार, शादाब पे आप मिडल ऑर्डर बना के बैठे हुए हो और फिर भी आपको एक अच्छा चांस मिल गया, वहां पे आपको मौका मिल गया था चले यार कि यहाँ पे आप कैपिटलाइज करके 300 रन बनाते हैं, क्योंकि 300 रन करना मुश्किल होता है यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने कैपिटलाइज नहीं किया यहाँ पे, और वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट कि पाकिस्तान ने वो शायद टैलेंट ही नहीं बैटिंग में जो बड़े स्कोर कर सके और अच्छी टीमों के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। सो डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट। आई होप पाकिस्तान यहाँ से कुछ करने के काबिल हो यहाँ पे, बट लुक्स वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू ब्रिंग योर ए गेम अगेंस्ट द बिगेस्ट टीम। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मस्ट विन मैच में पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर लड़खड़ा गई है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार, और पाकिस्तान ये मैच भी हारता हुआ दिखाई दे रहा है। बैटिंग पाकिस्तान की आज की